शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं सुबह तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैंने घर की सफाई नहीं की थी। अब मैं डस्टिंग करने लगी हूँ, बेडशीट और सोफे के कवर और पर्दे वगैरह चेंज करने लगी हूँ। आप लोग मेरे साथ रहिएगा और सफाई करनी है मैंने। सफाई मुकम्मल हो चुकी है, बर्तन भी धो लिए हैं। यहाँ पानी की बोतलें भरी हुई हैं, खाना बनाने के लिए सब्जी भी काट ली है और मेरी सफाई मुकम्मल हो चुकी है। कवर चेंज किया है मैंने, झाड़ू पोछा किया है। ये मेरे बच्चों की टेबल है, हमारी तीन चेयर थी एक टूट गई है। ये शोकेश है हमारा, ये हमारा स्टोर है, इस पर हम एक्स्ट्रा चीज़ें रखते हैं, कपड़े वगैरह बर्तन। यहाँ से देखें बिल्कुल साफ क्लीन हो चुका है घर। ये मेरे बेटे की पीइंग है, रोज़ाना रोता था कि पार्क जाना है इसलिए मैंने घर पर छोटी सी पीइंग को भी लगाई है। हांडी में डालने के मसाले ख़त्म हुए थे तो मैंने आज प्याज, हरी मिर्चें, टमाटर और लहसुन अदरक वगैरह लिया है, इनको पीस कर फिर बोतल में डालूँगी। सब्ज़ी मैं बना चुकी हूँ, प्याज हरी मिर्च टमाटर काट लिए हैं, बाकी के मसाले खाने के साथ डालेंगे। अब जलाते हैं चूल्हा और हांडी रख देते हैं ऊपर और डालते हैं तेल, ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं डाल देती हूँ प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब बहनों का एक ही सवाल है कि आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है, किचन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, मुश्किल होती है काम करने में, तो मैं दूसरा चूल्हा जलाने लगी हूँ और उसके ऊपर रखती हूँ फ्राई करने के लिए अरवियाँ। अरवियाँ मैं फ्राई करके बनाती हूँ ताकि उसकी लेस ख़त्म हो जाए और अच्छी बने। एक चूल्हे पर मैंने रख दिए हैं अरवियाँ फ्राई होने और दूसरे चूल्हे पर रखी हुई है मैंने प्याज।
जितनी देर हमारी अरबियाँ फ्राई होती हैं उतनी देर मैं डाल लेती हूँ मसाला। मिर्चें, हल्दी, पिसी हुई काली मिर्च, थोड़ी सी कलौंजी, कुटा हुआ जीरा, अरबी फ्राई हो चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मसाले डाल देती हूँ। गर्मी की वजह से जितनी जल्दी काम हो अच्छा होता है। हमारा घर बिल्कुल बंद है, इतनी शदीद गर्मी होती है बग़ैर चूल्हा जलाए, तो चूल्हा जलाते हैं तो फिर क्या कमाल ही हो जाता है, फिर तो डबल गर्मी। प्यारी बहनों से एक सवाल है, हमारे मोहल्ले में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास फ्रिज नहीं होता, तो आप लोग मेहरबानी होगी उनको बर्फ़ दिया करें, दो टाइम जमाया करें, सुबह के निकाल लिया करें, दोपहर को ऊपर जाली पर रख दिया करें और फिर शाम को डबल बर्फ़ रखा करें ताकि आपको सवाब मिले। सवाब कमाने के लिए सिर्फ दिल का और दिमाग का होना ज़रूरी है। हमारा दिल होना चाहिए नरम, दिमाग होना चाहिए सोचने के लिए गरीबों के बारे में। हम लोग किसी की पैसे से मदद नहीं कर सकते तो हाथों से कर सकते हैं और सवाब मिलेगा। बर्फ़ देने का इतना सवाब होता है, मैं इसी तरह करती हूँ। मेरे घर कोई खाली नहीं जाता, मैं काफ़ी लोगों के लिए बर्फ़ जमाती हूँ। और अरवियाँ काटते वक्त आपके हाथ में ख़ारिश हो, मेरे भी होती है, लेकिन सरसों का तेल अच्छी तरह हाथ पर लगा कर फिर हम अरवियाँ काटते हैं तो ख़ारिश नहीं होती। हमेशा अच्छा करो अच्छा होगा, किसी की बुराई का बदला हमें बुराई से नहीं अच्छाई से देना होता है। मैंने अपने घर वालों से यही सीखा, हालांकि मैं सबसे बड़ी बहन हूँ लेकिन मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। कभी अगर मुझे आ भी जाता है गुस्सा तो मुझे सपोर्ट करते हैं कि नहीं आप ही इस तरह नहीं करना, हमेशा अच्छा जवाब दो अच्छा करो। गुस्से में इंसान किसी को कह देता है ना, लेकिन ऐसा कहना नहीं चाहिए। वैसे हम लोगों में बहुत ज़्यादा सब्र है, मैं भी और मेरे बहन भाई भी बहुत सब्र करते हैं। प्यारे प्यारे सपने देखो, प्यारी प्यारी सोच लाओ, प्यारे प्यारे ख्याल, इंशाल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर पूरा करेगा। हमारे इस्लाम की सुन्नतों पर अमल करो। मसाले में थोड़ा थोड़ा घूट घूट पानी डालकर मसाला भूनने से मसाला अच्छा भुनता है। दुरूद शरीफ पढ़ते रहा करें। मैं अपने बारे में बताती हूँ, अगर मैं प्यारा प्यारा सोचती हूँ और प्यारा प्यारा करती हूँ तो मुझे दिली सुकून मिलता है बहुत ज़्यादा। बस अच्छा ही करो, सब्र का फल मिलता है। प्यारे बहन भाई, दुनिया के हर कोने से आप मुझे देख रहे हैं। स्पेशल मैंने आपसे अपनी अम्मी के लिए कहना है, मेरी अम्मी बीमार हैं, उनके दिल के तीन वाल बंद हैं, हम इस वजह से बहुत परेशान रहते हैं। हर वक्त अम्मी की रहती है कि अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता कुछ हो ना जाए। माँ बाप जैसी दौलत कभी भी नहीं मिलती, किसी को भी नहीं मिलती। जब तक माँ बाप हैं उनकी खिदमत करें, उनको कभी मौका ना दें, रुलाएं ना, परेशान ना करें, चाहे झूठी ही तसल्ली दे दें लेकिन दें ज़रूर। आपकी मेहरबानी होगी, मेरी अम्मी के लिए दुआ कीजिएगा और मेरे अब्बू के लिए भी। मेरे अब्बू को 13 साल हो गए हैं, इंतकाल हो गया है, अल्लाह ताला उनको करमट करवा जन्नत और फिरदौस में जगह दे। मेरे अब्बू बहुत नेक इंसान थे, बहुत शरीफ, बहुत अच्छे थे, रहम दिल, मोहब्बत वाले। मेरी टांगों में जिस समय दर्द हो रहा था, इतनी देर मैं अपना हल्दी वाला दूध बनाती हूँ, इसमें डाला थोड़ा सा मैंने गुड़ और अब डाल देती हूँ हल्दी। इतनी देर हमारा सालन बनता है, इतनी देर मैं दूध बना लेती हूँ। जोड़ों के दर्द के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है हल्दी, आप भी इस्तेमाल किया करें। माशाल्लाह से हमारा खाना बन चुका है, देख सकते हैं आप। डालने लगी हूँ धनिया डाल देते हैं और गरम मसाला पिसा हुआ। हमारा खाना तैयार है, मैं दम पर रख देती हूँ और बनाती हूँ रोटी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब भी वीडियो बनाने लगते हैं अक्सर कभी लाइट चली जाती है तो कभी नेट चला जाता है, इतनी मुश्किल होती है।